Module 128, in production analysis, we are going to study the Euler theorem. That is also sometimes called the Euler theorem. This theorem was basically provided a mathematician, a Swiss mathematician whose name was Leonhard Euler. Or basically this provides us a mathematical relationship that applies to various homogeneous function and that homogeneous function can be homogeneous consumption function that can be any homogeneous production function so any function or any mathematical relationship having the degree t when the t is equal to 1 that will be the homogeneous there that we can apply now coming to the point कि हम इस आइलर थ्योरम को माइक्रो इकोनॉमिक्स में और पर्टिकुलरली प्रोडक्शन में क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं और इसकी ज़रूरत कहाँ पर पे पेश आई है एक्चुअली जब ये देखा गया कि जितने भी हमारे पास इनपुट्स हैं जो प्रोडक्शन में इस्तेमाल होते हैं उनका एक पर्टिकुलर ब्रेक ही वन पॉइंट है और वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन या आउटपुट मैक्सिमाइजेशन पॉइंट में जब यह देखा गया कि वो ब्रेक इवन पॉइंट रिक्वायर करता है कि तमाम के तमाम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो हैं उनको पेमेंट उनकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के इक्वल मिले मींस जो फैक्टर आउटपुट में ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा हो उसको उसके हिसाब से पेमेंट मिले सो बिकॉज इट इज़ वेरी जेनुअन एंड इट इज़ वेरी वेरी इंपरवेटिव मीन्स फैक्टर दैट विल हैव मोर शेयर इन द आउटपुट दैट शुड भी हैविंग मोर वेज और दैट शुड हैव मोर रेंट इफ इट इज लाइक दिस तो उस ब्रेक इवन पॉइंट के मुता, मुताबिक अगर हम देखें तो इसका मतलब है कि जितनी मार्जिनल प्रोडक्टिविटीज के मुताबिक अगर उनको पेमेंट होगी तो इसका मतलब ये है कि जो आउटपुट है वो टोटल एग्जॉस्ट हो जाएगा इस कॉन्सेप्ट को देखते हुए जो प्रोडक्ट एग्जॉस्शन का थ्यूरम है वो सामने आया और उससे फिर एक प्रॉब्लम हमारे सामने आया कि क्या उस एडिंग अप प्रॉब्लम के ज़रिए जो हम चेक कर रहे हैं वो जो प्रोडक्ट है वो वाकई और इक्वली प्रॉपरली एग्जॉस्ट हो जाएगी या देर कैन बी सर्टन लेफ्ट आउट अमाउंट इन द फॉर्म ऑफ इन्वेंट्री और सरप्लस या ये ज़्यादा रिक्वायर करेंगे और हमारे पास उस प्रोडक्ट का डेफिसिट होगा तो इस कॉन्सेप्ट और प्रॉब्लम को देखते हुए जब हमारे पास आया तो इस प्रॉब्लम का जो नाम है दैट वाज कॉल्ड एडिंग अप प्रॉब्लम या प्रोडक्ट एग्जॉसन थ्योरम अब इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे जो एक इकोनॉमिस्ट सामने आए दैट इज कॉल्ड फिलप विक्सटेड और उन्होंने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किया वो था द दैट वाज प्रोवाइडेड बाय द आयलर मीन इन द फॉर्म ऑफ द आयलर थ्योरम, ये प्रोडक्ट एग्जॉसन थ्योरम बेसिकली तीन मैथड से सॉल्व किया गया और उसमें से एक जो है दैट इज द आयलर थ्योरम। अब अगर हम इसकी डिटेल में जाएँ तो ये जो मैथमेटिकल प्रपोजिशन हमारे पास आती है तो वो ये कहती है कि जो प्रोडक्शन फंक्शन है वो अगर होमोजीनियस ऑफ डिग्री टी हो और वो होमोजीनियस ऑफ डिग्री टी हो तो इट मीन्स वो होमोजेनियस हो मींस कांस्टेंट रेट रिटर्न्स टू स्केल हो और होमोजेनियस ऑफ डिग्री टी इन द फॉर्म हो कि टी इज इक्वल टू वन तो वी कैन से होमोजेनियस ऑफ डिग्री वन का अगर प्रोडक्शन फंक्शन होगा तो जो इसके फर्स्ट डेरीवेटिव रिलेटेड टू इनपुट्स होंगे मीन द मार्जिनल प्रोडक्टिविटीज़ के तहत अगर हम देखें हम उसको सॉल्व करें तो ये जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटीज़ हमारे पास आ रही होंगी ऑफ वेरियस इनपुट्स की वो हमारे प्रोडक्ट एग्जॉशन थ्योरम को प्रॉपरली सॉल्व करती हैं इस फॉर्म में कि ना वहाँ कोई डेफिसिट रहता है और ना वहाँ पे कुछ चीज़ सरप्लस रहती है और ये तभी मुमकिन है जब हमारी मार्जिनल प्रोडक्टिविटीज़ के तहत जो हमारे डेरिवेटिव्स ऑफ वेरियस इनपुट्स हैं वो इक्वल टू ईच अदर हों और इसीलिए जब इसको हम फिर सॉल्व करते हैं तो हम उस पैरामीटर के बाद हम अगर सॉल्व करें तो हम उसकी एग्जाम्पल में जाते हैं और हम उसका जो हमारे पास इलास्टिसिटी ऑफ सब्सटीट्यूशन की इक्वेशन है हम उसको यूटिलाइज़ करते हैं जो रिटर्न टू स्केल के तहत हमारे पास आती है अब वो रिटर्न टू स्केल की जो हमारे पास इक्वेशन है जिसके तहत चेंज इन आउटपुट ड्यू टू चेंज इन स्केलिंग ऑफ इनपुट मीन्स को अगर हम सॉल्व करते हैं एंड इट गिव्स कि ना वो यहाँ पे इफ़ दिस स्केलिंग हैज़ द पावर टी और इसको हम सॉल्व करते हुए जब नेक्स्ट पे आएँ और हमें पता चले कि दैट इट इज इक्वल टू द लेवल टी एंड इफ दिस टी इज इक्वल टू वन दैन मीन्स कि वो स्केलिंग और हमारा प्रोडक्शन फंक्शन इज होमोजीनियस ऑफ डिग्री वन तो इसका जो फर्दर अगर हम ड्यू टू इनपुट्स हम अगर चेंज को सॉल्व करें तो उस स्केलिंग को जब हम सॉल्व करते हैं डेरिवेटिव लेते हुए तो नाउ द चेंज इन दिस स्केलिंग एस जी वन एंड एस जी टू वेयर जी वन एंड जी टू आर द टू इनपुट्स हम इस जगह पे कैपिटल और लेबर भी लगा सकते हैं K1 K2 भी लगा सकते हैं L1 और L2 भी लगा सकते हैं सो वेन दिस स्केलिंग में जो चेंज है ड्यू टू हम टोटल फैक्टर में चेंज ड्यू टू स्केलिंग को देखते हुए हम वो डेरिवेटिव सॉल्व करते हैं और हम यहाँ पे उसको फर्दर सॉल्व करते हुए जब आते हैं तो देन हम इन डेरिवेटिव्स को एक दूसरे के साथ इक्वेट करते हैं सो द डेरिवेटिव ऑफ राइट साइड इक्वेशन जो हमारे पास आती है मीन टी एंड एस की पावर टी माइनस वन फंक्शन इन टू जी दिस वन और ये इक्वल थी इस दूसरी के तो हम कहते हैं कि ये हमारा प्रोडक्शन फंक्शन जो है वो डिग्री टी का है और दोनों की मार्जिनल प्रोडक्टिविटीज़ जो हैं वो हमारे पास एक दूसरे से इक्वेट कर रही हैं और चूंकि मार्जिनल प्रोडक्टिविटीज़ इस तरह इक्वेट करती हैं कि जितनी चेंज उनकी वजह से ऑल इनपुट साइड पे इक्वेशन में आ रही थी उतनी ही चेंज आउटपुट में आ रही थी तो देन हम ये कह सकते हैं कि जितनी स्केलिंग होने की वजह से अगर हम प्रोडक्ट एग्जॉस्ट थ्योरी को इस्तेमाल करें तो देन इट अनेबल्स अस के जितने का चेंज हमने इनपुट्स में की है उतनी ही हमारे पास आउटपुट में हुई है एंड नथिंग इज लेफ्ट अनयूज एंड वेस्ट इन द इकोनोमी अब रिजल्ट को जो हम देखें तो दैट इज कॉल्ड द आयलर थ्योरम और प्रोडक्शन फंक्शन जब भी लीनियर होमोजीनियस होगा तो ये उसकी एडिंग अप प्रॉपर्टी को इस्तेमाल कर रहा होगा और यही एडिंग अप प्रॉपर्टी जिसको हमने प्रोडक्ट एग्जॉशन थ्योरम का भी नाम दिया था अब अगर हम देखें तो मीन जो आउटपुट है ये बेसिकली समीशन है मार्जिनल प्रोडक्टिविटीज ऑफ द इनपुट्स का और मार्जिनल प्रोडक्टिविटी आर फर्दर मल्टीप्लाई बाय देयर लेवल ऑफ यूज तो यहाँ पे अब दो चीजें सामने आएंगी मीन्स वन मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ आइदर कैपिटल एंड लेबर और Z1 और Z2 टू एंड देयर लेवल ऑफ़ यूज़ अब ये लेवल ऑफ़ यूज़ का मतलब है कि बेसिकली इनपुट्स की इंटरनल रेशो क्या थी तो ये दो चीज़ों पे डिपेंडेंट हो जाता है और अब इसकी सिग्निफिकेंस पे अगर हम आएँ तो वट डज़ इट मीन जब हम मार्जिनल प्रोडक्टिविटीज़ की बात करते हैं तो एक्चुअली दीज मार्जिनल प्रोडक्टिविटीज़ को हम देखें तो लेबर की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी को हमेशा हम उसको वैल्यू अगर असाइन करें तो वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर जो भी होगी दैट विल बी कॉल्ड वेज एंड लाइक वाइज वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल होगा तो दैट विल बी कॉल्ड रेंट सो व्हेन एवर डीज मार्जिनल प्रोडक्टिविटीज़ को हम अगर उनकी प्राइस के साथ इक्वेट कर रहे होंगे तो देन वी कैन से कि जो एक फर्म प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर रही है वो इस आयलर थ्योरम की वजह से ब्रेक इवन पॉइंट को रीच कर सकती है और यहाँ पे हमें ये भी उस पॉइंट पे हम जाके देख सकते हैं कि ये हमारा ब्रेक इवन पॉइंट हमेशा वो होता है दैट प्रोवाइड्स अस अ पॉइंट वेयर मार्जिनल रेवेन्यू इज़ इक्वल टू द मार्जिनल कॉस्ट अब यहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट को अगर हम देखें तो कॉस्ट इज़ बेसिकली derived from the input side and revenue that is derived from the output side. So, the scaling of the input is just going to equate the same degree level into the output.